हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे ऑफ द यूनिट BPY ET141, यानी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। सो डू यू नो व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो को एक्सियल मेम्ब्रेनस चैनल है जो क्या करता है कि एडजेसेंट प्लांट सेल को क्रॉस करता है, दैट क्रॉसेस द वॉल्स ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल लिंकिंग द साइटोप्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल। एंड जिसके वजह से क्या होता है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो पाता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन आरएनए के बीच में। द नेक्स्ट टर्म इज मिसल्स। तो मिसल्स किसको बोलते हैं? मिसल्स इज एन एग्रीगेटेड और सुपर मोलिकुलर असेंबली ऑफ द सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स इन लिक्विड फॉर्मिंग अ कोलाइडल सस्पेंशन नोन एज एसोसिएटेड कोलाइडल सिस्टम। तो मिसल्स कुछ नहीं है, एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन है, एक एग्रीगेट है किसका? सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, जिसका डिस्पर्स किसके थ्रू होता है? लिक्विड के थ्रू होता है एंड इट फॉर्म्स कोलाइडल सस्पेंशन, डिस्पर्स इन अ लिक्विड एंड फॉर्मिंग अ कोलाइडल सस्पेंशन। उस कोलाइडल सस्पेंशन को हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड कोलाइडल सिस्टम भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है रिटेंशन फैक्टर। सो रिटेंशन फैक्टर को हम बोल सकते हैं पार्टीशन फैक्टर भी एंड कैपेसिटी फैक्टर भी, जिसका काम है एक्सप्रेस करना द रेशियो बिटवीन द टाइम स्पेंड विद द सॉल्यूट इन द स्टेशनरी फेज टू दैट ऑफ द मोबाइल फेज। मतलब कि स्टेशनरी फेज में कितना समय स्पेंड किया सॉल्यूट ने एंड उस डिवाइडेड बाय मोबाइल फेज में उसी सॉल्यूट ने कितना टाइम स्पेंड किया, इन दोनों के रेशियो को, यानी एक सॉल्यूट ने कितना टाइम स्पेंड किया स्टेशनरी फेज में डिवाइडेड बाय कितना होता है मोबाइल फेज में किया, इन दोनों का रेशियो को ही बोलते हैं रिटेंशन फैक्टर, जिसको हम बोल सकते हैं पार्टीशन फैक्टर भी, कैपेसिटी फैक्टर भी। आते हैं हम नेक्स्ट पे एंड दैट इज़ द माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं उनको साइटोसोम्स बोलते हैं। और माइक्रोबॉडी यूजुअली एक वेसिकल है जो स्पेरिकल इन शेप होगा और रेंज कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, तो इट विल रेंज फ्रॉम 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सो इट इज़ बेसिकली अ मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, माइक्रोबॉडीज आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड इन द साइटोसोल नोन एज साइटोसोम्स। यूजुअली अ वेसिकल विथ स्पेरिकल शेप रेंजिंग फ्रॉम 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एंड द लास्ट टर्म टू डिफाइन इज रेप्लिकन। क्या है रेप्लिकन? रेप्लिकन एक कंसेप्चुलाइज्ड यूनिट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी कि रेप्लिकेशन का एक कंसेप्चुलाइज्ड यूनिट है जो कि DNA सिक्वेंस को कंसिस्ट करता है एंड कॉल्ड एज रेप्लिकेटर, विच कंसिस्ट ऑफ अ DNA सिक्वेंस एंड कॉल्ड एज रेप्लिकेटर। रेप्लिकेटर का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जो ओरिजिन करेगा रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा उसको, सॉरी रेप्लिकेशन का ओरिजिन का काम करेगा वो, एंड देन उसके बाद में उसको ओराई भी बोल सकते हैं। एंड एन इनिशिएटर अ प्रोटीन दैट इंटरैक्ट्स विद द ओराई टू इनिशिएट द रेप्लिकेशन बबल्स। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक इनिशिएटर रिक्वायर्ड होता है, एक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है एंड जो क्या करता है उस ओराई का, यानी उस ओरिजन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में इंटरेक्ट करता है और जिसके वजह से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, जिसमें हमें बहुत सारे टर्म्स दिए गए थे एंड हमें उसको डिफाइन करना था। तो आपका जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंपल्सरी क्वेश्चन, वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंड इट विल कैरी 1 मार्क्स। सो एंड 3 to 4 टर्म्स विल बी देयर, यू हैव टू एक्सप्लेन योर एग्जामिनेशन हॉल। सो आपको इतना भी ज़्यादा जितना मैंने लिखा हुआ है इतना भी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इफ़ इट इज़ ऑफ 1 मार्क देन आप 2 लाइन में लिखोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। जैसे कि आप रेप्लिकेशंस रेप्लिकॉन्स उसमें से मेरा काम है आपको बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करने, इसलिए मैंने कर दिया। बाकी आप इसमें से बेस्ट कोई एक क्या मतलब बेस्ट इसमें से 2 लाइन लिख के आना एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स। जैसे कि माइक्रोबॉडीज में आप लिख सकते हो वेसिकल वाला लाइन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। रेप्लिकन में आप लिख सकते हो कंसेप्चुलाइज यूनिट ऑफ एप्लीकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ DNA सीक्वेंस कॉल्ड एज रेप्लिकेटर। एंड वैसे ही यू कैन चूज, जैसे रिटेंशन फैक्टर में आप डायरेक्ट उसके रेशियो को लिख करके दिखा सकते हो ग्राफिकल वे में एंड देन आप रेशियो भी लिख सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन राइट इन योर एग्जामिनेशन हॉल।
सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर टू. द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वट विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल डायग्राम डिस्क्राइब द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट सेल. सबसे पहला डिफरेंस आपको बता रही हूँ. प्रो का मतलब होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जहाँ पर मतलब कि जो भी सेल्स जो भी मतलब इसकी कैटेगरी में आएगा उनमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा वो, और यूकेरियोट जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो रखेगा वो है यूकेरियोट. अब वन बाई वन हम एक्सप्लेन कर मतलब वन बाई वन हम डील करते हैं. द वेरी फर्स्ट जो डिफरेंस है लिखा गया है, तो प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है और वो साइटोसोल में होता है. यूकेरियोट में लीनियर डीएनए होता है और वो भी न्यूक्लियस में होता है. सेकेंड वन, प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनल्स नो ऑर्गेनल्स विल बी देयर. एंड अगर हम यूकेरियोट की बात करेंगे, सेवरल मेंबर बाउंड ऑर्गेनल्स, तो नो ऑर्गेनल्स का मतलब हुआ यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है. एंड यूकेरियोट में बहुत सारे सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं. प्रोकैरियोट जो है न्यूक्लियोट, न्यूक्लियोइड नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब कि न्यूक्लियोइड होगा जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा. यहाँ पे न्यूक्लियस होंगे यूकेरियोट में एंड मेम्ब्रेन बाउंड होगा. प्रोकैरियोट विल हैव सिंगल क्रोमोसोम, यूकेरियोट विल हैव सेवरल क्रोमोसोम. प्रोकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिपिकली लैक रिसेप्टर्स, यानी इसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा उसमें कोई भी तरह का रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होता. यूकेरियोट के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होगा स्टेरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स का. उसके बाद में प्रोकैरियोट्स केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल रखेगा एंड इसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता है. केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल रखेगा जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता है, पेप्टिडोग्लाइकन भी हो सकता है. यूकेरियोट में केमिकली सिंपल सेल वॉल रहेगा, यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा. प्रोकैरियोट में क्या होगा कि देयर विल बी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल एंड इट मे कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, बट इन केस ऑफ यूकेरियोट इट विल हैव सिंपल केमिकली सिंपल सेल वॉल, जहाँ पे केमिकली सिंपल सेल वॉल होगा एंड इट विल कंटेन सेल्यूलोज इन प्लांट एंड काइटिन इन फंगी. यानी अगर वो प्लांट है तो सेल्यूलोज, अगर वो फंगी है तो काइटिन. मतलब ये सिंपल रखेगा सेल वॉल और एग्जांपल्स में बताया, और प्रोकैरियोट में केमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल. उसके बाद प्रोकैरियोट में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए एंड एमआरएनए ट्रांसलेशन, यानी डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए का ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एट द सेम टाइम होता है, और साइटोसोल में होता है. साइटोसोल में होता है मीन्स आपको याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है प्रोकैरियोट में, और कहाँ हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है. इन केस ऑफ अ यूकेरियोट, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन न्यूक्लियस एंड एमआरएनए ट्रांसलेशन इन साइटोसोल. बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट यूकेरियोट, तो वहाँ पे डीएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है, यानी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस है वो होता है न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म में, मीन साइटोसोल में. बट अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट दोनों हो, तो उनमें चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे वो ट्रांसलेशन हो, दोनों ही होता है साइटोसोल में. आते हैं हम नेक्स्ट के पॉइंट की तरफ. प्रोकैरियोट में फ्लैजेलम अगर प्रेजेंट होगा सिंपल होगा एंड इट विल फॉर्म टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स. इन केस ऑफ यूकेरियोट फ्लैजेलम इफ प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स बिल्ट फ्रॉम माइक्रोटिब्यूल. तो याद रखना है कि ये प्रोकैरियोट में अगर फ्लैजेलम होगा तो फ्लैजेलम होगा प्रोकैरियोट में जो फ्लैजेलम होगा वो फ्लैजेलम मतलब अगर होगा इफ इट विल बी प्रेजेंट तो इट विल बी वेरी सिंपल, वो सिंपल होगा एंड प्रोटीन से बना होगा, बिल्ड फ्रॉम टू प्रोटीन, दो प्रोटीन से बना होगा. मीन्स अगर इसमें फ्लैजेलम होगा इफ इट विल बी प्रेजेंट तो वो सिंपल होगा एंड इट विल बी मेड अप फ्रॉम टू प्रोटीन्स, टू काइंड ऑफ प्रोटीन्स. एंड यूकेरियोट में अगर होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा और वो माइक्रोटिब्यूल से बना होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा और माइक्रोटिब्यूल से भी बना होगा. फिर हम आते हैं अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे. मे हैव पिली एंड फिम्बरे. सो क्या होता है कि आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें पिल्ली और फिम्बरे हो भी सकता है एंड यूकेरियोट में सीलिया हो सकता है. इट मे हैव सीलिया, नॉट पिल्ली एंड फिम्बरे, इट मे हैव सीलिया एंड प्रोकैरियोट इट मे हैव पिल्ली एंड फिम्बरे. नेक्स्ट पॉइंट, हैप्लॉइड जीनोम. प्रोकैरियोट विल हैव हैप्लॉइड जीनोम, मीन्स उसका जो जेनेटिक नेचर है इट विल बी एन. एंड कॉम्पैक्ट जीनोम, इट विल हैव हैप्लॉइड जीनोम एंड यूकेरियोट विल हैव डिप्लॉइड जीनोम. उसके बाद मे हैव प्लाज्मिड, प्लाज्मिड हो भी सकता है, प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन, और वही यूकेरियोट में प्लाज्मिड कॉमन नहीं है. तो यहाँ पर जो है प्लाज्मिड हो भी सकता है, इट मे हैव प्लाज्मिड, बट इन केस ऑफ यूकेरियोट प्लाज्मिड डीएनए नॉट कॉमन. फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे. तो कॉम्पैक्ट जीनोम लिटिल रिपीटेटिव डीएनए,
ये वाला फीचर यहाँ पे कॉम्पैक्ट जीनोम का विच विल हैव लिटिल रिपीटेटिव डीएनए प्रोकैरियोट में होगा, कॉम्पैक्ट जीनोम का, बट यूकैरियोट में यूजुअली लार्ज काउंट ऑफ नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव डीएनए होता है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ होता है नॉन कोडिंग एंड रिपीटेटिव जो है, वही यहाँ पर क्या होगा, लिटिल रिपीटेटिव डीएनए होगा। आप सिंपली बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट में लिटिल रिपीटेटिव डीएनए होता है, यूकैरियोट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन कोडिंग रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, और प्रोकैरियोट में स्मॉल राइबोसोम होगा, यूकैरियोट में लार्ज राइबोसोम होगा, वो भी साइटोसोल या न्यूक्लियस में होगा, स्मॉल राइबोसोम ऑर्गेनल्स में होगा, बट यहाँ पर सारे के सारे में ही स्मॉल ही होंगे, और यहाँ पर लार्ज होंगे बस ऑर्गेनल्स वाले स्मॉल होंगे, और न्यूक्लियस साइटोसोल वाले लार्ज राइबोसोम होंगे। सेल साइज प्रोकैरियोट में 0.5 से 100 माइक्रोमीटर एंड सेल साइज यूकैरियोट का 10 से 150 माइक्रोमीटर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो साइज़ है ये ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आफ्टर रिप्रोडक्शन, सो विच इज़ इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोट 0.5 to 100 माइक्रोमीटर, 0.5 to 100 माइक्रोमीटर, इन केस ऑफ अ यूकैरियोट इट इज़ 10 to 150 माइक्रोमीटर, 10 to 150 माइक्रोमीटर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोट विल हैव ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज अ बाइनरी फ्यूजन। बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शंस में, तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी फ्यूजन है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, बाइनरी फ्यूजन है। प्रोकैरियोट के केस में बाइनरी फ्यूजन है, यूकैरियोट के केस में देयर इज नो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड इट विल कंटेन मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस। यू नो मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो विच अकर्स इन यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में ए सेक्शुअल एंड बाइनरी फ्यूजन, यूकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मियोसिस एंड माइटोसिस। सो यहाँ तक इतने सारे पॉइंट्स के ग्राउंड पे, लाइक आपका डीएनए, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स एंड मेनी मोर, हमने अच्छे से यू प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट किया। कुछ और पॉइंट्स एज वेल एज फिगर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल का डायग्रामेटिक ग्राउंड, जहाँ पे हम अकेले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो हमने बताइए उसको पॉइंट वाइज किया, एंड उसके बाद अब मैं उसको कर रही हूँ फिगर से। आप साफ साफ देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें जो प्रोकैरियोट में मिल रही हैं, कौन यूकैरियोट में मिल रहा है, आप देख सकते हो। आप फिगर भी बना सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। So, very simple figure you have to draw. जहाँ पर आप बनाओगे पिल्ली, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, प्लास्मिड। ओके, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, प्लास्मिड, फ्लैजेलम, राइबोसोम, कैप्सूल, पाइलस, ये वाली चीज़ें। एंड नेक्स्ट वन यूकैरियोटिक सेल, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूबुल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एसईआर, पेरिक्सोसोम, वैक्यूल्स, गॉल्जी वेसिकल्स, गॉल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, आरईआर। आपको कितने सारे ऑर्गन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो देयर आर सम जो आपको एक्सेप्शनली यहाँ मिलेगा, कुछ ऐसे हैं जो आपको मिलेगा प्रोकैरियोट में विच विल नॉट गेट फ्रॉम इन यूकैरियोट, तो उस ग्राउंड पे भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, एंड इसलिए इस फिगर को भी हम बना सकते हैं। इस फिगर को बना करके के भी हम रिप्रेजेंटेशन अपना कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। सो बाय नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 2 का बी पार्ट पे। गिवन आउटलाइन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, यानी कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बैक्टीरिया में कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप यह याद रखना कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, एंड ट्रांसलेशन हम किसको बोलते हैं, जब mRNA से प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। सो वेरी क्लियरली आपको ये दो चीज़ें पहले तो याद रखनी है, एंड देन आफ्टर दैट वो बैक्टीरिया में कैसे होता है, मीन्स प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। तो सेलुलर मैकेनिज्म में ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड में 5 मेजर कंपोनेंट इंक्लूड होगा। सो सेलुलर मशीनरी विच इन्वॉल्व्ड इन
ट्रांसलेटिंग mRNAs इनटू पॉलीपेप्टाइड, इट मीन्स पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया. इट विल इंक्लूड 5 मेजर कंपोनेंट. सबसे पहला राइबोसोम, देन tRNA, अमीनो एकाइल tRNA सिंथेसिस, mRNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन फैक्टर. तो सबसे पहला राइबोसोम, देन tRNA मॉलिक्यूल, राइबोसोम tRNA मॉलिक्यूल एंड अमीनो एकाइल tRNA सिंथेसिस, देन mRNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन फैक्टर. राइबोसोम tRNA मॉलिक्यूल, mRNA मॉलिक्यूल, राइबोसोम tRNA मॉलिक्यूल, mRNA मॉलिक्यूल, प्रोटीन फैक्टर एंड अमीनो एकाइल ट्रांसलेटिंग अमीनो एकाइल tRNA सिंथेसिस. तो ये सारे 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायरमेंट होगी जिनकी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया में. सेलुलर मशीनरी ऑफ ट्रांसलेटिंग mRNAs इनटू पॉलीपेप्टाइड प्रोसेस में. सो ट्रांसलेशन ऑफ mRNA लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड इन द एन टर्मिनल टू द सी टर्मिनल डायरेक्शन. द कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोसेस इज सब डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस. तो क्या बोला है कि ट्रांसलेशन mRNA का क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस मतलब होगा इससे, एंड कहाँ होगा, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल के डायरेक्शंस में. एंड कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो डिवाइडेड हुआ है 3 स्टेज में. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ बताई गई है कि ट्रांसलेशन mRNA का जब पॉलीपेप्टाइड में हो जाता है, यानी पॉलीपेप्टाइड मतलब सिंथेसिस पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में होता है, तो उसी को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. मतलब ट्रांसलेशन में वही चीज़ होता है कि आपका जो mRNA है वो पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट जाता है एंड एन टर्मिनल से सी टर्मिनल के डायरेक्शन में होता है. एन से सी, एन टर्मिनल से सी टर्मिनल के डायरेक्शन में होता है. देन उसके बाद में उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब स्टेजेस होते हैं. एंड उस स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज है इनिशिएशन स्टेज, दूसरा है आपका एलोंगेशन, एंड तीसरा है टर्मिनेशन स्टेज. तो इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेज. इनिशिएशन में क्या है कि जहाँ पे mRNA बाउंड होगा टू द राइबोसोम एंड प्रोटीन इटसेल्फ फॉर प्रॉपर ट्रांसलेशन. जहाँ पे राइबोसोम, जहाँ पे mRNA विल गेट बाउंड टू द राइबोसोम, जहाँ पर mRNA बाउंड होगा राइबोसोम से, वो प्रोसेस है इनिशिएशन प्रोसेस. जहाँ पे mRNA विल बाउंड टू द राइबोसोम एंड इट एंड पोजिशन इटसेल्फ फॉर द प्रॉपर ट्रांसलेशन. सो वो हो गया उसका फर्स्ट इनिशिएशन स्टेप. दूसरा है एलोंगेशन, जहाँ पर अमीनो एसिड सिक्वेंशियली जॉइन टुगेदर थ्रू आउट द पेप्टाइड बॉन्ड. जहाँ पे सारे के सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक बड़ा सा लंबा सा चेन लाइक बॉन्ड बनाएंगे, है ना, थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे वो. मीन्स आपके बहुत सारे अमीनो एसिड सिक्वेंशियली पेप्टाइड बॉन्ड, आपके जो अमीनो एसिड्स हैं सिक्वेंशियली पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके एक लंबा सिक्वेंस बनाएंगे. तो वो हो गया एलोंगेशन. एंड फाइनली टर्मिनेशन स्टेप, एंड द लास्ट वन इज टर्मिनेशन स्टेप. सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वेर वी हैव डिस्कस फर्स्टली द पार्ट ए एंड देन द पार्ट बी. आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इस वजह से बाकी के क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोज. सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.